नमस्कार बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रुचिरा प्रथम भाग, जो कि हमारा छठी कक्षा के लिए दिया गया है। इस पुस्तक में हम पढ़ चुके पाठ पांच और आज हम करेंगे पाठ पांच का अभ्यास कार्य। वचन अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, वचन के अनुसार रिक्त स्थान पूरा करें। अब देखिए, वनम वने वनानि, तीनों वचन दिए हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। वनम वने वनानि, अब इसी की तरह जो जले शब्द दे रखा है, अब जल का भी रूप चलाना है तो क्या होगा, जलम जले जलानि, जलम जले जलानि। आगे बिंबम, बिंब होता है गोला, बिंबम बिंबे बिंबानी, बिंबम बिंबे बिंबानी, ठीक है। इसके बाद है अगला उदाहरण हम पढ़ेंगे, फिर उसी के अनुसार लिखेंगे। वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, द्वितीय विभक्ति दी गई है, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। पवनम पवनौ पवनान, पवनम पवनौ पवनान। जनम जनौ जनान, जनम जनौ जनान, ठीक है। प्रश्न एक हम वचन के अनुसार कर चुके, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर दो। कोष्ठक पदे प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उपयुक्त विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान पूरा करें। अब इनके साथ जो जो विभक्ति आएगी वो विभक्ति हमने जोड़नी है। बालक शब्द रूप आपने किया, देव शब्द रूप किया, तो उन्हीं की जैसे विभक्ति होती है पुल्लिंग वाली, वो विभक्ति हम जोड़ देंगे। अहम रोटी काम खादा में, ब्रैकेट में क्या दिया गया शब्द, रोटी का। अब रोटी का की विभक्ति लगानी है तो यहाँ क्या लगा दिया, रोटी काम। अहम रोटी काम खादामी, अब ब्रैकेट में यहाँ दूसरे इसमें दिया गया है जल, जल की विभक्ति लगानी है, त्वम जलम पिबसी, तुम जल पीते हो, त्वम जलम पिबसी। अब दूसरा है छात्र है, ब्रैकेट में क्या दे रखा है, दूरदर्शन, तो यहाँ आएगा दूरदर्शनम, सब में द्वितीय विभक्ति लगेगी, छात्र है दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन देखता है। इसके बाद है वृक्षः डैश पिबंती, पवन दे रखा है ब्रैकेट में, तो पवन की द्वितीय विभक्ति होती है पवनम, पवन की द्वितीय विभक्ति क्या होती है, पवनम, वृक्षः पवनम पिबंती। इसके बाद है ताः डैश लिखंती, कथा शब्द दे रखा है, अब कथा की द्वितीय विभक्ति क्या होगी, कथाम, क्या होगी, कथाम, ताह कथाम लिखंती। इसके बाद है आवाम डैश गच्छावः, ब्रैकेट में शब्द दे रखा है जंतुशाला, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति में क्या होगा, जंतुशालाम, अहम जंतुशालाम गच्छावः, हम दोनों चिड़ियाघर जाते हैं। पाठ पांच का हमारा प्रश्न नंबर दो हो चुका है, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदं चिनोत, कर्तृपद चुनने हैं, जो कर्ता हैं इन वाक्यों में, जो कर्ता होते हैं वो हमने छांटने हैं। और कर्ता किसको कहते हैं, जो काम करने वाला होता है, डूअर जो होता है वो होता है कर्ता। अब ये वाक्य दिए गए हैं, इनमें से हमने कर्ता छांटने हैं। वृक्षः नभः शिरस्सु वहन्ति, वृक्षः इसमें क्या है, वृक्ष आसमान को सिर पर ढोते हैं, कौन ढोते हैं, वृक्षः, तो कर्ता हमारा क्या है, वृक्षः, क्योंकि जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार ही होती है कर्तृवाच्य में।
कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। यहाँ कर्ता बहुवचन है तो यहाँ क्रिया भी बहुवचन है। वृक्ष होता है एक वृक्ष, वृक्षव होता है दो वृक्ष, और वृक्षाह होता है ज्यादा वृक्ष बहुवचन के लिए। तो वृक्षाह बहुवचन है तो वहंती भी बहुवचन है। इस बात का ध्यान रखेंगे कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है। कौन से वाच्य में? कर्तृवाच्य में। विहगा वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी वृक्षों पर कूकते हैं या चहचहाते हैं। अब कौन चहचहाते हैं? विहगा। तो इसमें कर्ता क्या है? विहगा। विहगा वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी हैं हमारे जो वृक्षों पर चहचहाते हैं। तो यहाँ कर्तृपद हुआ विहगा। अगला देखिए, पयोदर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, पानी रूपी दर्पण में वृक्ष अपना प्रतिबिंब या अपनी परछाई देखते हैं। तो कौन देखते हैं परछाई? वृक्ष। तो कर्तृवाच्य या कर्तृपद क्या हुआ इसमें? वृक्षः। बहुवचन है तो यहाँ क्रिया भी बहुवचन है। कृषक है, कृषक होता है किसान, किसान अन्नानी उत्पादयति, अन्न उत्पन्न करता है। किसान अन्न उत्पन्न करता है तो अन्न उत्पन्न कौन करता है? किसान करता है। तो किसान हमारा क्या है? कर्तृपद। कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी यहाँ एक वचन में है। इसके बाद है सरोवरे मत्स्यः सन्ति, सरोवर में मछलियां हैं। क्या है सरोवर में? मछलियां हैं। ठीक है, तो मत्स्यः सन्ति कौन है? मछलियां। तो कर्तृपद हमारा क्या हुआ? मछलियां। मछलियां बहुवचन है तो सन्ति भी बहुवचन है, यानी कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया है। प्रश्न नंबर 3 में हमने किया कर्तृपद छांटना। कर्तृपद हमें समझ आ गया। हम पहले क्रिया को देखेंगे, क्रिया किसके लिए आई है, जिसके लिए क्रिया आती है वही कर्तृपद होता है। अब चलिए, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। वृक्षः कई पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष किन से पैरों को स्पर्श करते हैं? वृक्ष किन से पाताल को स्पर्श करते हैं? किन से स्पर्श करते हैं पाताल को? पादई पैरों से। पैर क्या होते हैं वृक्षों के? जड़ें जो होती हैं। वृक्षः पादई पातालम स्पृशन्ति, वृक्षः पादई पातालम स्पृशन्ति। वृक्षः किम रचयन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं? वृक्षः वनम रचयन्ति, वृक्ष वन बनाते हैं। हमने पढ़ा था पहला ही श्लोक, वृक्षः वनम रचयन्ति। विहगा कुत्र आसीनः, विहगा पक्षी कहाँ बैठे हुए हैं? विहगा शाखासु आसीना, पक्षी शाखाओं पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? शाखाओं पर। कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति, कौतुकेन आश्चर्य से वृक्षः वृक्ष किम पश्यन्ति क्या देखते हैं? आश्चर्य पूर्वक वृक्ष क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? स्वप्रतिबिंबम। क्या देखा? स्वप्रतिबिंबम अपनी परछाई। हम ऐसे लिख देंगे कौतुकेन वृक्षः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। ये हमारे प्रश्न उत्तर हैं। इनको हम, ये जो 4 प्रश्न दिए गए हैं इनको हम अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न लिखेंगे हम लाइन के मध्य में, उसके बाद उत्तर लिखेंगे। ठीक है, हम आज कर चुके पाठ 5 का प्रश्न 1, 2, 3, 4। मुझे लगता है आपको ये 4 प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। 4 प्रश्न एक बार हम फिर से इनको दोहरा लेते हैं। वृक्ष किन से पाताल को स्पर्श करते हैं? वृक्ष पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं। वृक्ष क्या बनाते हैं? वृक्ष वन बनाते हैं। पक्षी कहाँ बैठे हैं?
पक्षी शाखाओं पर बैठे हैं। आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं? आश्चर्य से वृक्ष अपनी परछाई देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये चार प्रश्न किए हैं, आप इन चारों का अभ्यास करेंगे और इनको लिखकर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अभ्यास कार्य हम कल करेंगे। धन्यवाद।